कर पापा को कितनी खुशी होती है तुम्हें मालूम है? मालूम है मालूम है। आपका बस चले ना तो हम पूरा दिन यहाँ आपसे बात करते रहे। आओ ना दिशा यहाँ बैठो का। और ये रही तुम्हारी प्लेट। थैंक्स आई बस आई। घबराहट सी हो रही है। डॉक्टर को फोन करूं? नहीं नहीं, एक अजीब सा सपना देखा। हम सब कार में जा रहे हैं एक टनल से। बहुत अंधेरा है टनल में, और कोई कारें नहीं है। टनल खत्म होती है, उसके आगे एक गहरी खाई है। आप परेशान रहते हैं इसलिए ऐसे सपने आते हैं। आप परेशान मत हो, ये सब ठीक हो जाएगा। आप सो जाइए, सो जाइए। दिशा
मुझे कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स चाहिए। क्या? कुछ सुना नहीं मैंने। भोसले परिवार की लड़की यहां क्या लेने आई है? बहुत प्यार करती हूं ना अपने बाबा से, अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती हूं, है ना? ऐसा होता है प्यार, यही प्यार, यही प्यार तो मुझे आकर्षित करता है, खिंचता हूं मैं तुम्हारे प्यार से, शायद यही मेरी जिद की वजह है। तुम्हें मैंने यहां हर हाल में लाना था। अच्छा हुआ कि तुम खुद यहां पर आ गए, वरना सब कुछ खत्म हो जाता, सब कुछ। कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स कहां हैं? पेपर्स। मुझे पहले घर के कागजात चाहिए। फाइल के अंदर। मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट की फाइल में, वो भी अच्छे से पढ़ लो। मैं बाद में कोई ना नहीं सुनना चाहता। अब तक गुस्सा नहीं किया इन आंखों का। इंटरेस्टिंग, पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। वैसे सोचने का ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। तो आखिर घुटने टेक ही दिए तुमने। थैंक्स सो मच, तुमने मुझे और गिरने से बचा लिया। अब मैं तुम लोगों को और क्या परेशान करता। कनका ग्रुप ऑफ एम्पायर्स के मालिक के लिए तुम जैसे एक छोटे से हंसते खेलते परिवार से लड़ना कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी चीज है तो एक कॉन्ट्रैक्ट, मेरी तुम्हारे साथ ये डील। इस पर तुम्हारे सिग्नेचर पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। गौतम, बेटा गौतम, गौतम दरवाजा खोलो बेटा। घर में नहीं है, पता नहीं कहां चली गई। कमरे में भी नहीं है? नहीं बेटा, पूरे घर में नहीं है। अच्छा काका, मैं देखता हूं टेरेस पे। लो, आप यहां हैं। मैं तो घबरा गई थी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ सुहासिनी, मैं ठीक हूँ। तुम जाके सो जाओ। आप भी चलिए ना। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। यहाँ खड़े रहेंगे तो नींद थोड़ी आएगी। चलिए ना अपने बिस्तर पे। सुहासिनी प्लीज, तुम जाओ। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है। काका, दिशा टेरेस पर भी नहीं है और कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है। पता नहीं कहाँ चली गई। दिशा घर पर नहीं है? आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। सुहास, दिशा पता नहीं कहाँ चली गई है। कहाँ है क्या मतलब?
इतनी रात को वो कहाँ जा सकती है? घर में ही होगी, ढूंढो लॉन में, टेरेस पे। सुहास, पिछले 3 घंटे से हम दिशा को तलाश कर रहे हैं। काका, मुझे लगता है हमें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए, जरूर कुछ गड़बड़ है। ये क्या बेवकूफी है? नहीं नहीं, गौतम सही कह रहा है, कहीं देर ना हो जाए, हमको पुलिस में कंप्लेन कर देनी चाहिए। नहीं नहीं, पुलिस में नहीं, हमारी बदनामी होगी। तुम्हें बदनामी का डर है? बच्ची की कोई फिक्र नहीं? गौतम, तुम पुलिस स्टेशन जाओ, कंप्लेन करो। जी। हेलो, सॉरी टू डिस्टर्ब यू मिस्टर भोसले। ठीक है, तुम? इस बात के लिए माफी नहीं मांगूंगा कि मैंने आपको इतनी रात को डिस्टर्ब किया, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने आपकी आंखों की नींद उड़ा रखी है। बकवास बंद करो डीके, कम टू द पॉइंट। अभी अभी आपकी बेटी मिली थी। बहुत अच्छी लड़की है, कितना प्यार करती है अपने परिवार से। घर के कागजात वापस ले गई है और मेरी सारी शर्तें मान ली हैं उसने। दिशा मेरे लिए मॉडलिंग करेगी। अपनी इज्जत का समझौता करके अपने परिवार का सुख चैन खरीद ले गई है। मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट भी फाइल में है, वो भी अच्छे से पढ़ लो। वैसे सोचने का ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास। क्या कर रहे हो बहू तुम? कितनी रात हो गई है? बाबा ये बाहर गए, मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। इतनी रात को? सच सच बताओ बहू, क्या बात है? बाबा, दिशा किसी को बताए बिना बाहर चली गई है। क्या, कहाँ चली गई? पता नहीं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें जाने दें।
दिशा चलो बेटा मेरे साथ घर चलो। दिशा रुको, गौतम 2 मिनट में जरा दिशा से अकेले में बात करना चाहता हूं। आज पहली बार मुझे एहसास हुआ है कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता। प्लीज बाबा ऐसा मत कहिए। तुम जानती हो तुम्हारे बाबा क्या गुजर रही है। मुझे घर के छिन जाने का इतना दुख नहीं होता जितना आज तुमने मुझे दिया है। जब मैं आधी रात को सड़कों पर तुम्हें ढूंढता फिर रहा था तुम जानती हो कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही थी। अरे अगर तुमको कुछ हो जाता तो मैं बहुत बड़ी हो गई हो अपने फैसले खुद ले सकती हो लेकिन मेरे लिए हमेशा तुम मेरी छोटी दिशा रहोगी। बेटा मुझे इतना कमजोर महसूस मत कराओ कि मुझे खुद पर विश्वास भी ना रहे कि मैं अपने परिवार की अपने घर की हिफाजत भी नहीं कर सकता। कम से कम जब तक मैं जिंदा हूं तुम ऐसा कदम कभी फिर नहीं उठाओगी।